नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो छात्र हैं कि नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन लगातार कोई भी यूनिवर्सिटी हो, छात्र लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, कभी फीस की मांग को लेकर, कभी एग्ज़ाम को लेकर। अब हम एक यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मुश्किल से 2-3 मिनट का सफ़र होगा, और जब आप सफ़र चालू करेंगे 3-4 घंटे सहारनपुर से यूनिवर्सिटी तक आने में लग जाते हैं। ये माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय है, जंतर रोड पुआर का सहारनपुर, बिल्कुल लिंगा पहाड़ों की तड़ी में बनाई थी, बनाई थी सहारनपुर में, लिंगा तड़ी में लिया है, बिल्कुल नाम भी छठ के दे रहा, सारे काम ऊत पटांग, बिल्कुल एक भी ढंग का काम नहीं करते। इब्जा जो कई दिन तक चल रहा है, पिछले भी एक मीटिंग हुई राकेश टिकेत जी, उसमें फीस का मामला चल रहा है। हमारे भाई जो यहाँ छात्र हैं उनसे बात करेंगे, क्या है, क्या लग रहा, फीस क्यों बढ़ाई थी। भाई क्या नाम है? उज्जवल चौधरी माजरा। तो उज्जवल भाई, क्या मैटर था आज का? अनिरुद्ध भाई नमस्कार और आपका स्वागत है। अनिरुद्ध भाई, इन्होंने क्या किया, 3-4 महीने पहले इन्होंने सब फीस हाइक कर दी, जैसे BSc फिजिकल था, जितने भी कोर्स थे वो सबकी फीस बढ़ा दी एकदम से, लूट मचाई इन्होंने, 2-2.5 साल हो गए रूटीन में चलते हुए, इन्होंने लूट मचाई रखी। हमें 3rd महीने छात्रों को लेकर यहाँ आना पड़े, धरने प्रदर्शन करने पड़े, उसके बाद इनका थोड़ा दिमाग ठीक हो, ये उन चीज़ों को वापस लें। अभी इसी प्रतिक्रिया में इन्होंने 3 महीने पहले सब कोर्स होगी माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी एकदम से 6-7 गुना कर दी। उसके बाद हम सब लोग गोचर महाविद्यालय के, JV जैन कॉलेज के सब छात्र नेता इकट्ठे हो गए, 200-250 छात्रों को ले गए यहाँ पर आए, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद इन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी के बाद में 3 दिन बाद कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें राकेश टिकैत जी भी आ रहे थे, गोचर महाविद्यालय से भाई निहाल प्रधान है छात्र नेता, वो थे, 2-3 छात्र नेता और थे, बैठ के इन्होंने बातचीत हुई, प्रोफेसर थे, एग्ज़ाम कंट्रोलर थे। उसके बाद इन्होंने फीस एज इट इज़ कर दी जो पहले थी। अब एक हफ्ता पहले पोर्टल खुला BSc फिजिकल का, उसमें इन्होंने जो 1107 रुपये पहले BSc फिजिकल की फीस हुआ करती थी, इन्होंने उस फीस को 7000 रुपये कर दिया, जबकि शासन आदेश जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है वो 880 रुपये का है न्यूनतम BSc फिजिकल का, इन्होंने कर दिया 7000 उसको। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में वो 1107 रुपये है, इनके पास बच्चों के हमारे पास फ़ोन आए, हमने कहा भाई देख लो, बात कर लो, हम 10-20 बच्चे भेजे हैं यहाँ पे, बच्चे जब इनसे बात करने आए, इन्होंने बात करना तो दूर की बात है, एक तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, धक्के मार के उनको बाहर निकाला और उनसे कहा क्या गया कि ये जो हम फीस बढ़ा रहे हैं इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है और हमें यूनिवर्सिटी बनानी है। आप शर्म की बात है, आज योगी जी की सरकार में भी अगर ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ यूनिवर्सिटियाँ बन रही है, जहाँ अस्पताल बन रहे हैं, जहाँ इतना विकास हो रहा है, ये लोग बैठ कर लूट रहे हैं सरकार के नाम पर, सरकार यूनिवर्सिटी बनवा रही है और ये बच्चों से, गरीब बच्चों से उसके पैसे पूरे करने के चक्कर में है। इन्होंने जो इतनी लूट मचारी, आज आए हल्ला बोल किया, इनके यहाँ धरना दिया, इनसे सवाल जवाब किए, उसके बाद अब निर्णय ये आया है कि इन्होंने एक तो तुरंत पोर्टल बंद कर दिया, उसके बाद इन्होंने मंगलवार तक का समय लिया है और ईश्वर ने चाहा, छात्रों की एकता में इतना बल है कि मंगलवार तक इन्होंने इनको फीस चुकी जो पहले थी वो करनी पड़ेगी, वरना इनकी यूनिवर्सिटी पर मंगलवार के बाद ताला लगाने का काज छात्र करेंगे। बस तो ये जो फीस बढ़ाई अचानक बढ़ा दी, मतलब यूनिवर्सिटी तैयार करनी है, ईंट आंट की कमी पड़ रही है, मतलब अब ये तो पता नहीं ईंट की कमी पड़ रही है, इनकी नियत की कमी पड़ रही है, इन्हें अपने घर भरने क्या करना चाह रहे क्या नहीं अनिरुद्ध भाई, लेकिन इन्होंने हर 3 महीने बाद इन्हें यही काम करना है, हर 3 महीने क्या करे भाई, इनका राशन सपड़ गया राशन भाई, अपना जाप तो नाम बैग दे दें, पास वालों को भी बैग दे दें और फिर कप्पी चेकिंग पे 2500, फिर बैग के 2500 रुपए बालक तो पैसे यूनिवर्सिटी के आए, ये देख लो 1107 रुपए, ये देखो भाई 1107 रुपए है। हमें कहा जाता है कि सेमेस्टर वाइज है वहाँ पे, तो हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं, अगर वो पूरा ईयर लीव करना चाहे तो 2214 रुपए कर सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे, पर 7000 नहीं बच्चे अफोर्ड करने के, हम ये कह रहे हैं कि सरकार की मर्जी है, भवन सही देखो आप क्या गुना है, ये देख लो भाई, ये क्या कह रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं मजदूर घर से भी हमें, तो वे अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज ने, इसे कहना चाह रहे हम, तो ये जो सरकारी जो विश्वविद्यालय बना रखे, सरकारी जो स्कूल बना रखे, इसलिए बना रखे ताकि जो आम आदमी है, किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, वे पढ़ाई पढ़ सके, वरना बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है सहारनपुर में और भी है, पेट्रोल यूनिवर्सिटी तक है देश में, लेकिन एक सेकंड लेकिन फिर भी जो यूनिवर्सिटियों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा लूटपाट मचाई हुई है ना, शायद इसकी भरपाई किसान के मजदूर के बच्चे कर पावे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो किसान का बच्चा है
वो अफोर्ड नहीं करता पत्तस फीस को जो इनके द्वारा थोप दी गई है। आज क्या कर रहे भाई, ये भी कहा गया हमारे कि आप यहाँ से एडमिशन हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। नुका हमने काम का और यूनिवर्सिटी में तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इसमें भी इतनी फीस नहीं फिजिकल की, तो नुका वहाँ चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हटा लो कोई एडमिशन। इन्हें मतलब ऐसी ऐसी बात कह दी मारते हैं और नुका धक्के देख लेंगे भाई, हम बोलने की तहजीब नहीं है, बोलने की तहजीब नहीं है। परसों गार्ड पर धक्के लगवाए बाहर निकलवाए ऑफिस से, गार्ड और पुलिस वाले जो भीतर खड़े बीसी के ऑफिस में बाहर निकलवाए धक्के देकर बालक। अम्मी थे भाई उसमें, पहले ये 15-16 बच्चे थे, धक्के देकर बाहर निकलवाए बीसी ने। पहले तो ये बात की थी इन्होंने, एडिट में फीस कटी थी सेकंड 2 साल पहले, और सेल्फ फाइनेंस का नाम लेकर हर साल फीस बढ़ा रहे हैं जो कि हमें अफोर्ड नहीं कर पा भाई। अरे हमें एक कहा जरा परमानेंट, जो हम धरना टेक है, आप हमारे उड़ते पढ़ाई छोड़ दो या कुछ ही करो, हमारा कोई फिकर नहीं आता नहीं। और भाई जब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में था ये कॉलेज, जब एडिड में था तो जब रेगुलर आती थी तो फीस यही 800-850 रुपये आती थी। अब इन्होंने जेब भरने के लिए इन्होंने अनएडिड में कर दिया, सेल्फ फाइनेंस में कर दिया, जिसमें 7,000 रुपये फीस ले रहे हैं एग्जाम फीस। अब बताओ किसान के मजदूर के बच्चे कहाँ से अफोर्ड करेंगे? सेल्फ फाइनेंस में हमारा क्या फायदा है, स्टूडेंट का क्या फायदा है? आप हमें एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे, यूनिवर्सिटी उसका जवाब नहीं दे रही, तो सेल्फ फाइनेंस का क्या फायदा है? एडिट में रखो ना हमें, उसमें फायदा है जब एडिट। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और मैं जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, वो भी इसके ऊपर ध्यान दें, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी गुजारिश है वो भी इसकी तरफ ध्यान दें कि किस तरीके से बच्चों को परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से बच्चों से फीस वसूली जा रही है। जुड़े रहेगा गांव गुआंड के साथ, जय हिंद जय भारत।